देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फंक्शन डिटेल्स ऑफ डिज़ाइन टैब। अब हमारे पास जो आ गया है वो डिज़ाइन टैब की चंद चीज़ें हैं जिनको मैंने जो है वो मर्ज करके जो पढ़ाने वाले ऑप्शन थे, फंक्शन थे, जो समझाने वाले फंक्शन थे, उनको मैंने आपके सामने ला के रखा है। सबसे पहला है हमारा थीम। थीम क्या है कि जब आप कोई पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, आप कोई हेडिंग्स वगैरह बना लेते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट थीम्स दी हुई हैं, आप डायरेक्टली वो थीम अपने पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। द थीम फंक्शन अलाउ यू टू चेंज द थीम एंड कलर डिज़ाइन ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, थीम फंक्शन की मदद से आप पैराग्राफ की थीम और कलर के डिज़ाइन वगैरह तब्दील कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करता है। उसके बाद यहाँ पे ये इस पोर्शन में तीन फंक्शन आ रहे हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग। स्पेसिंग मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि लाइन के अंदर स्पेसिंग जो है वो होती है, वो पैराग्राफ और लाइन, हम अगर एक लाइन भी टाइप करते हैं तो एक पैराग्राफ कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हैं, इफ़ेक्ट्स वही कलर वगैरह के हैं, और अगर आप सेट ऑफ सेट एज डिफ़ॉल्ट करोगे वो सारी चीज़ें दोबारा डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है पेज बैकग्राउंड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेज बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले इसमें आ रहा है वाटरमार्क। आपने देखा होगा कि मैं जो स्लाइड होती है उस स्लाइड के पीछे मेरा एक लोगो आ रहा होता है। अब ये शायद कलर्स की वजह से थोड़ा सा डिम हो गया है, नज़र नहीं आ रहा, या हो सकता है आ रहा हो, थोड़ा सा आ रहा है। वो जो बैक में लोगो बना हुआ है वो एज अ वाटर मार्क के थ्रू जो है वो मैंने बनाया है कि वो बैकग्राउंड में पीछे से हल्का सा नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो वाटर मार्क की मदद से हम अपनी पिक्चर भी अपने पेज पे रख सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी लोगो बना के रख सकते हैं या हम कोई ऐसा नोट जो है वो रख सकते हैं जो बिल्कुल ही लाइट करके हम उसको रख सकते हैं। पेज का कलर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पेज का कलर सिर्फ सॉफ्ट कॉपी तक महदूद होगा। जब आप हार्ड कॉपी निकालने जाएंगे तो उसमें वो कलर नहीं आएगा। ठीक है, पेज बॉर्डर आप रख सकते हैं, पेज को डिफरेंट, हम जब कोई कवर पेज वगैरह बनाते हैं तो उसको एक बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या ऐसा कोई ब्रोशर बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम पेज को बॉर्डर दे देते हैं, तो ये हम सारी चीज़ें पेज बैकग्राउंड से जो है वो लेते हैं। ठीक है,